हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर के आ गया हूँ बिहार दरोगा के लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से है। और इस बार एग्जाम का मोटो यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लगाते रहिए तब तक जब तक कि एग्जाम पास ना हो जाए। पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ जो है 51 नंबर से क्वेश्चन। पहला सेट में हमने कर लिया इससे पहले 1 से 50 तक। दूसरा बायोलॉजी का सेट है जिसमें 51 से 100 तक होगा क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम या दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक है तो कौन है? डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, डी हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर होगा ये है 51 का सी, लिनियस। द्विनाम पद्धति या दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक लिनियस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्टर, ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट हू। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बैक्टीरिया ने जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया। तो आंसर होगा 2 का सी। 53 नंबर क्वेश्चन, जिन पौधों पर वे बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बीज बनते हैं पर पुष्प नहीं लगते हैं। 53 क्वेश्चन का आंसर होगा बायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो याद रखिए, जिस पौधे पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं लगते, बिना फूल के ही बीज बन जाते हैं, तो आंसर होगा डी अनावृत बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं का आकार या आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छरूपी, कोमारूपी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जनरली जीवाणुओं का आकार छरूपी जैसी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरिला। तो सबसे छोटे होते हैं आकार में वो कहलाते हैं 55 नंबर का बी, वो कहलाते हैं गोलाणु। 56, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तपेदिक बोलिए या टीबी बीमारी बोलिए या बैक्टीरिया से होता है। पीलिया जो है ये वायरस से होता है और चेचक भी वायरस से होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? एसर, ए शरीर, सिया कोलाई, कोरिनो बैक्टीरियम, वाइब्रियो कॉलेरी, इनमें से कोई नहीं। अजीब से नाम है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो ये जो एसरिसिया कोलाई जो है ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं आवृत बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा जीवाणुओं में पाए जाते हैं। निम्न में सबसे छोटा जीव है, तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो सबसे छोटा जीव है 59 नंबर क्वेश्चन का माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हैजा। हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं और पेचिस, चेचक ये विषाणु के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो दूध खट्टा होता है, आपने सुना होगा। 61 का आंसर होगा बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। और दही जमाने में किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दमा, कुष्ठ, ये सभी तो जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं, कुष्ठ रोग होता है। 62 का आंसर होगा सी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस, डी स्मिथ। तो 63 का आंसर होगा ए, इवानोस्की। इवानोस्की में खोज क्या था? विषाणु की खोज। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? इवानोस्की। 63 का ए। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, तो चेचक के टीके का विकास किया गया था किसके द्वारा? मिलिस्टिन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन, दूध के दही जमने के रूप में कारण है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दिया हूं कि दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, तो ए आंसर होगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो 66 का आंसर होगा निम्न में स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद ही बनाता है तो उसको कहते हैं शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर टिक्का रोग मूंगफली में होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आदशक, इनमें से कोई नहीं। तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है आदशक, तो सी होगा। एचआईवी जो है वायरस से होने वाला डिजीज है, विषाणु द्वारा होने वाला है। इसका फुल फॉर्म होता है एड्स, और एचआईवी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चेचक जो है या विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आर्डोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, ये सारे शैवाल के नाम है। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। तो 70 नंबर क्वेश्चन, 70 का याद रखिएगा। शैवाल से तो आयोडीन प्राप्त होता है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कौन से शैवाल से, तो याद रखिएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल का नाम है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 71 का आंसर होगा हाइड्रोफोबिया, विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। 72 का आंसर होगा ए, तो विषाणु में जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। तो 73 का आंसर होगा डी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। 74 नंबर क्वेश्चन, सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। सार्स 74 का आंसर होगा बी, ये जो है विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइक्रोप्लॉट, विषाणु, शैवाल। तो खसरा जो है 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, खसरा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। आलू में मोजेक रोग किसका, मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु।
76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, आलू में मोजैक रोग का कारण विषाणु है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये विषाणु द्वारा होते हैं। फूट एंड माउथ रोग पशुओं में होता है, पशु चल नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, और ये रोग ज्यादातर बरसात के महीने में होती है। 78 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सेलुलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। क्या प्राप्त होता है लाइकेन से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से, शैवाल से? 79 का आंसर होगा बी, समुद्री शैवाल से। कैल्प प्राप्त होता है किससे? समुद्री शैवाल से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 80 नंबर क्वेश्चन, मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, आंसर होगा सी। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो है शैवाल, जीवाणु, मॉस, कवक, किससे प्राप्त होता है? तो 81 का आंसर होगा ये शैवाल से प्राप्त होता है। अगर 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 कुछ चीज होता है जिसको आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं क्या होता है, लेकिन प्राप्त होता है किससे? शैवाल से। 81 का आंसर होगा ए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? एग्रोस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? 82 का आंसर होगा माइकोलॉजी का अध्ययन कवक के अंतर्गत आता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन, सेलुलोज। तो 83 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमिसेलुलोज से बना होता है। सभी कवक सदैव होते हैं तो क्या होते हैं? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विविध पोषी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? जूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिलस, सास्किकोलस। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? 86 नंबर। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस, कोप्रोफिलस। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कोप्रो फिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ए कवक, बी शैवाल, सी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रायोफाइट्स। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? परमेलिया, सेक्सटीलीस, सेक्सिकोल्स, इनमें से कोई नहीं। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। तो आंसर होगा इसका सी, सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। 89 का आंसर होगा बी, इंडोकार्पन को जापानी लोग खाने के तौर में सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? 90 नंबर क्वेश्चन, रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर परमेलिया। और परमेलिया में ही
क्या पाया जाता है? ये परमेलिया है। मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया। 91 क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें? कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स, बायोफाइट्स। तो बीजों की प्रकृति 91 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, टेरिडोफाइट्स में बीजों की उत्पत्ति हुई। एजोला है, क्या है एजोला? एक जलीय फर्म, कवक, शैवाल, लाइकेन। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, कोई क्लास्ट्रिडियम। 93 आंसर होगा बी, एजोला। एजोला को क्या कहा जाता है? 93 का बी, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? 94 का आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जिम्नोस्पर्म। इसमें बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है सिल्विकल्चर, वन के विकास का, सिल्सिफाई पादपों का, कवकों के संवर्धन, शैवालों के संवर्धन का। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, शैवालों के संवर्धन का। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा, गोल्जी द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, संबंधित राइबोसोम्स द्वारा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? 97 इसका आंसर होगा सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? चेचक, तपेदिक, मम्प्स, पीलिया। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा टीबी या तपेदिक, बोलिए। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी या तपेदिक, 98 का बी। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है? अब स्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, इनमें से कोई नहीं। 99 का आंसर होगा सी, अपस्थानिक मूल, सी होगा इसका आंसर। मूलांकर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है अपस्थानिक मूल। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है 100 मसूला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? 100 नंबर क्वेश्चन का मसूला जड़ें कहलाती है मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट करिए। और इस तरह की वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं डेली वीडियो लेकर के आते रहूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा सेट मिलेगा, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे जीव विज्ञान के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? कार्ल स्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, अरस्तु। तो कोशिका की खोज अरस्तु नहीं, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो आंसर इस कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, लेमार्क, कार्ल बेंडा। तो जंतु विज्ञान का जनक
अरस्तु को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर, लेमार्क, अल्टमैन, अरस्तु। तो आंसर इज सी, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? अरस्तु, लीवेनहॉक, कार्ल बेंडा, थियोफ्रेस्टस। जीवित कोशिका की खोज बी, लीवेनहॉक ने किया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, रेक्टिकुलम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? कार्ल बेंडा, जेम्स वाटसन, डी डुबे, जी प्लाडे। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जी प्लाडे, डी डुबे, लीवेनहॉक, लेमार्क। तो जी प्लाडे। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जी प्लाडे। डीएनए की खोज किसने किया था? डी डुबे, लीवेनहॉक, लेमार्क, वाटसन एंड क्रिक। तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कोशिका केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क, कार्ल बेंडा। तो कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क एंड ट्रेविनस या थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर होगा सी, लेमार्क एंड ट्रेविनस। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क एंड ट्रेविनस, कार्ल बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है ये कार्ल बेंडा ने प्रतिपादित किया था। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, गोल्जी का है। तो कोशिका में डीएनए केंद्रक में मिलता है, न्यूक्लियस। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, प्लास्टिसिट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिसिट है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, प्लास्टिसिट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका विभाजन, श्वसन, पाचक, रस उत्पन्न करना, स्त्रावी। तो गोल्जी का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का रंग जो प्रदान करते हैं ये क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, अंतःकोशिकीय पाचन, वसा संश्लेषण। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, मैक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? यीस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शिवा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉफ मिस्टर, वॉल्डेयर, सुतन, वैगनर। तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? हॉफ मिस्टर, वॉल्डेयर, वैगनर, पोर्टर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया।
सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अमीबा। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम। तो ये केंद्रक, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक से, न्यूक्लियस से नियंत्रित होती है। रक्त का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी, हिमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक, कंकालीय ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है? एम्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, हेपेरिन, ग्लोबिन। तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, 8.4, 6.4, 5.4। तो रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो रक्त का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में से कोई नहीं। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, उपर्युक्त सभी। तो डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण इन तीनों में होता है, अस्थि मज्जा में भी, लार ग्रंथि में भी, थाइमस ग्रंथि में भी। तो आंसर इसका डी होगा। और आरबीसी का निर्माण सिर्फ अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं ल्यूकोमिया, एनीमिया, जॉन्डिस, पॉलीसोथोमिया। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन, 120 दिन, 8 से 10 दिन, 120 दिन। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का अनुपात, रेड ब्लड सेल 600:1 होता है। अगर 600 रेड ब्लड सेल है तो एक व्हाइट ब्लड सेल होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? Ca+2 में, Mg+2, Na+, K+। तो ये Ca+2 रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ती है,